दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुए हमले की गुत्थी लगातार हो रहे जांच के बाद और ज्यादा विस्तृत होते जा रहा है। इस समय तक यह मामला पानी के जैसा साफ लग रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा है और अब वह उसे खत्म करना चाहता है। इसलिए आए दिन उसके गुड़गे सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर पनवेल में बने उसके फार्म हाउस तक की रेकी कर चुके थे और फिर बीते 14 अप्रैल को उसके घर पर हमला कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली, जिसके बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इन्हीं गिरफ्तारियों के बाद जब मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा पूछताछ किया गया तो पता चला कि टारगेट पर सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के 2 और एक्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। कौन है वो दोनों एक्टर्स और इस पूछताछ में और कौन सी नई बात सामने आई है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर किस आरोपी ने यह खुलासा किया है। तो हम आपको बताते चलें कि जो 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक ने तो लॉकअप के अंदर ही सुसाइड कर लिया था और बाकी के 3 अभी हिरासत में ही है। लेकिन ये खुलासा इन तीनों में से कोई नहीं बल्कि एक 5वां आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में राजस्थान से गिरफ्तार 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी ने सलमान खान के अलावा 2 अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं के घरों पर भी जासूसी की बात को एक्सेप्ट किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 15 मार्च 2024 को पनवेल में हथियारों की डिलीवरी रिसीव करने के बाद अनमोल बिश्नोई ने शूटर्स को टारगेट की जानकारी दी थी और उन्हें अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी करने का टास्क दिया था। साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह भी बताया कि सलमान खान के घर के ऊपर 14 अप्रैल 2024 को हुए गोलीबारी से पहले मोहम्मद रफीक चौधरी ने 12 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान और 2 अन्य अभिनेताओं के अपार्टमेंट बिल्डिंग की रेकी की थी और उसका वीडियो बनाकर अनमोल बिश्नोई को भेजा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ हुए पूछताछ में मोहम्मद रफीक चौधरी ने यह बात भी बताया कि शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता को पिछले साल अक्टूबर में बिश्नोई गैंग द्वारा मुंबई भेजा गया था, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए किराए का मकान नहीं मिल रहा था। आखिरकार मार्च 2024 में पनवेल में ही एक स्थानीय रिक्शा चालक की मदद से वह हरिग्राम क्षेत्र में एक फ्लैट किराए पर लेने में कामयाब रहे। फिर प्लानिंग के अनुसार उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान शूटर्स को कुल 3 लाख रुपए मिले थे। इसके साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए मामले की जांच जारी रखे हुई है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताते चलें कि सागर पाल और विक्की गुप्ता को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था जबकि सोनू कुमार और अनुज थापन को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। सोनू और थापन पर यह आरोप है कि उसने उन दोनों शूटर्स को हथियार सप्लाई किया है। गिरफ्तारी के करीब 1 हफ्ते बाद ही अनुज थापन ने 1 मई को पुलिस हवालात के शौचालय में कथित तौर पर आत्महत्या कर लिया था। इस मामले में 5वें आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और वह वर्तमान में 15 मई तक पुलिस हिरासत में रहेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ था और इसका मकसद मुंबई में डर फैलाना था। इन सभी आरोपियों पर मकोका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ में अनमोल बिश्नोई के पास जिन 2 और अभिनेताओं के घर के रेकी का वीडियो गया है वो कौन है इसकी जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही इस मामले पर कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।